टेस्ट इसमें और ज्यादा आएगा, किस चीज से आएगा वो मैं जब दिखाऊंगा, जो मैं अभी इसके साथ ऐड करूंगा। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो बढ़िया हुई। तो यार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मम्मी से मैं पूछ लेता हूँ, मम्मी क्या करूँ, बीएड काट लूँ या ना काटूँ बताओ, मतलब शेप में कह रहे हो। तो यार देखता हूँ अभी बीएड में काटूंगा तो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पर उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि यार मैं सुबह खेलने गया था, सुबह 7 बजे खेलने गया था और आया मैं 2 बजे के टाइम, तो सोचो भैया कितनी भूख लग रही होगी मेरे को। मैंने खा तो लिया उस टाइम, पर अभी 6 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा भूख लगती है ना यार। तो मैं अपने लिए बनाऊंगा कुछ, तो वो दिखाऊंगा आपको, खुद ही बनाऊंगा अपने लिए, तो प्रिपेयर करूंगा जब तो बताऊंगा। और अभी मैं आया यहाँ पर बनी कुकी है, देखो अंडा सेक रहे हैं ऊपर ही, थोड़ी देर पहले ही अंदर तब से बाहर नहीं निकल रखे थे, अब निकले हैं बाहर ही। देखो जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तभी ये इसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, बस उसको मिल गया मौका, इसकी नजर से गायब होने। ओह अच्छा नहीं, ठीक है लौंडे। तो ये बेसिकली पता क्यों अभी चल रहे हैं, क्योंकि निकली मम्मी ने खाना रखा है, इसमें आटा रख रखा है, तो ये आटा खा रहे हैं। अरे भाई पक 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 पक, तो इनका खाने में अरे दोनों एक साथ मुक्के मार रहे थे अपने, तो बस इनको तब तक स्ट्रेचिंग करने तो शुरू करता हूँ। जो बनाऊंगा ना भैया मुँह में पानी आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं उसके साथ एक और चीज मिक्स करके बनाऊंगा, तो देखना अभी। तो मम्मी किचन कब होगा खाली? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। आटा गूंदने के बाद यार अभी मैं जो बनाने वाला हूँ ना भैया, वो देख के आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि अब मैं उसको वैसे नॉर्मली मतलब नहीं खाऊंगा ऐसे, समझ रहे हो। उसके साथ मैं सॉफ्ट ड्रिंक भी पीने वाला हूँ, वो सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है वो भी दिखाऊंगा आप सबको। सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी वाली है, वो ये नहीं कि भैया पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा और सेवन अप, स्प्राइट्स, यार सभी के तो नाम ले लिया, फिर बच कौन सा गया, तो समझ जाओ कौन सा बचा है ना। तो अभी मैं दिखाऊंगा मतलब उसके साथ में पीऊंगा जो, ठीक है। तो मैं अभी मिलता हूँ आप सबसे जैसे मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। सो यार बनाना शुरू करता हूँ, और भैया जो ये बनाने वाला हूँ ना मैं, तो भैया इसमें प्रोटीन ज्यादा है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट भी है, ये अनहेल्दी नहीं है, इतना ध्यान रखना जो मैं बनाने वाला हूँ। इसको ना मतलब कोई भी बंदा बना सकता है, और ये मैं जो बनाता था ना जब भी जिम से मैं आता हूँ, तो भैया रिकवरी के लिए जो चाहिए होता है भैया यही खाता हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कैसे बनाता है, क्या बनाते हैं। तो भैया सबसे पहले चाहिए फ्राई पैन, अगर ये नहीं है तो भैया कुछ नहीं है, हाथ में तो तुम तलोगे नहीं, ठीक है। तो भैया वही फ्राई पैन का पहले यूज करना है भैया, वो तो आपको पता ही होगा भैया, क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई चाहिए ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड का बिल्कुल भी यूज मत करना, या फिर वो यूज कर लो होल व्हीट का आता है आटा वाला ब्रेड, वो यूज कर लो भाई, महंगा होता थोड़ा सा पर बढ़िया होता भाई, हेल्दी रहता है, व्हाइट ब्रेड नहीं होता हेल्दी। और भैया कर लिए 2 अंडे का यूज, तो बनाना शुरू करते हैं, और ये हेल्दी होने वाला भैया ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूँ, और घी का भी यूज कर लो भाई, मैं तो घी यूज कर रहा हूँ, तेल यूज नहीं करता, तो बनाना शुरू करता हूँ। तो भाई ये देख रही है घी घर में ही बना रखा है, क्योंकि मलाई इतनी सारी जमा रखी थी, तो वही मलाई से घी बना दिया है, बट करना काफी बंदों को पता होगा भैया जो घी बनता हूँ मलाई से बनता, काफी बंदों को नहीं पता होगा, तो भैया मैंने आज बता दी तो बहुत बड़ी बात कर दी। अबे साले तो भैया सही से निकल नहीं रहा, तो भैया से पका देता हूँ, सबसे बढ़िया इसको पिघलाने के लिए टेक्निक लगानी पड़ेगी। फ्लेम तो कर दूं कम यार, ज्यादा हो जाएगी तो बंद भी हो जाता है कितनी बारी। डालते हैं घी भर के, ये भैया तेल का तो भैया बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, आप सबको भी पता ही है कितना अनहेल्दी होता है तेल। और एक चीज और बता दूं भैया, जो भी हम तेल यूज करते हैं ना, जैसे जो मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल जो हम यूज करते हैं ना खाने में, ध्यान रखना वो भैया बाहर देश में फॉरेन में उसे एक्सटर्नली यूज करते हैं, खाने में यूज बिल्कुल नहीं करते, और हमें हम दबा के खाते हैं वो इंडियंस, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। चाहे घी खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फैट ज्यादा होता है, पर क्या हो गया भाई, हेल्दी है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो खा सकते हैं भाई। सबसे पहले तो ब्रेड को सेक देता हूँ, थोड़ा सा इसमें तेल निकालने लगा आके आगे पीछे, अपना आराम से होता रह गई दूसरा ब्रेड, बस ये को रहा है यार, ये इसको क्या करें, पहले 2 पे पकने देते हैं भाई। सो यार काफी बंदे कह रहे होंगे कि भाई तू नॉर्मल चीज का दिखा रहा है कि अंडा ब्रेड बनाना, भाई अंडा ब्रेड बनाना तो भैया सभी को आता है, पर उसके बारे में जानना कि भाई तो उससे हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अंडा ब्रेड तो भैया नॉर्मली बन जाते हैं, पर हम जो तेल यूज कर रहे हैं या उसमें कितना नमक डाल रहे हैं, क्या चीजें डाल रहे हैं उसमें, कितनी कैलोरीज हैं, क्या है, सब पता होनी चाहिए सभी, मतलब नहीं पता चलती तो भैया सबके साथ पेलने लग जाते हैं, क्योंकि भैया मैं तो पेलता हूँ दबा के, पर यार ये है कि देख के, ये नहीं कि मैं अपने लिए ऑयल यूज कर रहा हूँ या कुछ बाहर से कुछ लेके आ रहा हूँ या ऐसा कुछ,
तो उस चीज का मैं यूज नहीं करता बाहर की चीजों का, तेल का या रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल यूज नहीं करता। तो सबसे बढ़िया देखो एक होती है नींव बनना, समझ रहे हो, जो भी बना रहे हो स्टार्टिंग का उसका ठीक रहता है तो पूरा अच्छा से बनता है। तो भैया स्टार्टिंग मैंने किससे करी, घी से करी, घी से यूज करा या फिर बटर यूज कर सकते हो, तो उससे मैंने स्टार्ट करा। तो अरे भैया सबसे पहले तो पलट देता हूँ, भैया ये तो जल गया, जला नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो भैया अभी ये बनने ही वाला है, फ्रंट भी मैंने फोड़ लिए। और यार एक चीज बताऊँ, ये अंडे ना मैंने देखा ठंड में ना पीले रंग के हो जाते हैं ऐसे, मतलब हल्के पीले रंग के हो जाते हैं ठंड में, गर्मी के टाइम में थोड़े से ऑरेंजी रंग के होते हैं, हल्के हल्के ऑरेंजी रंग के, पर अभी बिल्कुल रंग उतरा हुआ है ठंड के, इनको भी ठंड लग चुकी है अंडों को। तो बस यार ये तो हो गया, तो अब बनाने की प्रोसेस शुरू करता हूँ। ये अंडा इसमें सिर्फ मैं क्या डाल रहा हूँ, तो इस अंडे में सिर्फ मैं नमक डाल दूंगा थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सिंपल ही बनाता हूँ, सबको भी पता है। वो जो टेस्ट इसमें और ज्यादा आएगा किस चीज से आएगा वो मैं जब दिखाऊंगा, जो मैं अभी इसके साथ ऐड करूंगा बाद में। भाई ये है पतंजलि का मिक्स फ्रूट जैम, ये भी मैं अभी खाऊंगा दो ब्रेड में लगा के, तभी यहाँ रख देता हूँ भाई। सिंपल हेल्दी फूड भी बनता ही जा रहा है जब तक इसमें दो ब्रेड के स्लाइस नहीं लग जाते। तो इसको बस अब पलट देता हूँ भाई, इधर के साइड का भी हो ही गया होगा। या तो भाई एक तो बन चुका है, दूसरा बनाता हूँ फिर मिलता हूँ सबसे। A few minutes later. तो यार आप सब कह रहे हो कि भाई एग ब्रेड तो बना रहे हैं, पर ये जैम का क्या करेगा, तब से रखा हुआ है, तू बोलता बनाऊंगा। तो भैया एक ब्रेड का मैं बना ही देता हूँ फटाफट, ये दिखाता हूँ सबको। सो यार ये भी हो गया रेडी अपना जैम ब्रेड, सिर्फ एक ही ब्रेड का बना रहा हूँ, काफी है ना फिर इसको फोड़ना फोल्ड। तो ये देख सकते हो इसके अंदर कितना बढ़िया जैम दिख रहा है, आहा। सो यार ये भी बन चुका है, अब इसको रख देता हूँ इसके साथ, और अब रिवील करता हूँ कि क्या चीज मैं कह रहा था कि इसके साथ पीने के लिए, वो दिखाता हूँ। वो कुछ अल्कोहलिक चीज नहीं है। सो यार अब मैं दिखाता हूँ किस चीज की मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था एप्पी फिज की। जो ये एप्पी फिज है ये चेंज हो चुका है रेड लुक में, दिख रहा है पूरा रेड, और ये ज्यादा बढ़िया है जरा, है ना, पर उसका भी टेस्ट बढ़िया था, इसका भी टेस्ट बढ़िया है बहुत ज्यादा। और मेनली मैं इसलिए लाया हूँ कि भाई ये ना बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि डाइजेस्टिव है, इसका रीजन ये है कि कभी तुमने कुछ फास्ट फूड खाओ, ठीक है, खाने के बाद या फिर उसी के साथ में इसे पियो, सही कह रहा हूँ, बड़ा मजा आता है और डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है इससे, मतलब कि डाइजेस्ट हो जाता है जो भी अगर तुम फूड बाहर की चीज खा रहे हो तो। वही तभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ प्रीफर करने के लिए कि मैं ये भी खाऊंगा और इसके साथ ये सिप लेता रहूंगा इसकी एप्पी फिज की। अब ये रेड वाला जिसने टेस्ट करा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और जिसने नहीं करा वो भी कमेंट करके बताना कि भैया ये वाला देखा नहीं देखा उन्होंने, तो किसके मुंह में पानी आ रहा है भाई कमेंट करके बताना, ठीक है। तो जिसे मैं खाना शुरू करता हूँ फिर मिलता हूँ सबसे। सो यार इसका टेस्ट इतना बढ़िया हो रहा है यार, सिंपल भी है और बढ़िया भी है और हेल्दी भी है, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। तो भाई लेता हूँ इसका एक और टेस्ट आपके सामने, और साथ में इसका सिप लेते रहो थोड़ा थोड़ा। सो यार जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं बियर्ड अपनी काटूंगा या ट्रिम करूंगा, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पता आप सब मुझे गाली दे रहे होंगे, अबे साले चलता है इतना तो यार, क्योंकि इस साल ही तो गाली दोगे, अगले साल मत देना यार गाली, यार इस साल दे लो जितना दिन देना है, दो तीन दिन तो बचे ही हैं भाई। ना देखिए भैया अभी भी आपको खाना पीना भैया मस्ती से खाओ पियो और हैप्पी फेस के साथ खाओ, क्योंकि यार मैंने अभी देखा ना जब हैप्पी फेस देखा कि भैया न्यू वाला आर्क है, तभी मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाता हूँ इस पर और जरा कुछ खा भी लूँ, खाते खाते फिर वीडियो भी बना लूँ, है ना। तो यार आप सबको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।